हेलो सभी का नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार हो गए और सारे बच्चे जय हिंद जय भारत जरूर लिखें कमेंट में। चंद्रयान के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछ सकता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चंद्रयान क्यों बोला गया है? क्योंकि यान था, एक चंद्रमा पर भेजा गया एक सेटेलाइट जो हमने यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान किसके द्वारा छोड़ा गया, हु इज द डायरेक्टर, कोस्ट पूछेगा, इसका रोवर का नाम पूछेगा, इसके प्रोजेक्ट पे पूरा कोस्ट पूछ लेगा, सब कुछ पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया दोपहर के 2:35 पर। इसका नाम रखा गया LMV3। इससे पहले क्या होता था, जो नाम हम रखते थे वो GSLV होता था, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। देर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, यू कैन से GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, एक होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये GSLV टाइप का था और इसमें GSLV ही बोले जाएंगे, तो इसका नाम LMV3 रखा गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम इसका रखा गया। इसका जो लीडरशिप कर रही थी वो लीडरशिप कर रही थी रितु करिघल एक साइंटिस्ट है इसरो में, और ये जो सैटेलाइट है ये इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। हमारे देश में जो डिफेंस में दो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, DRDO नई दिल्ली हेडक्वार्टर 1958 और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 अगस्त 1969 हेडक्वार्टर बेंगलोर। इसरो के चेयरमैन का वर्तमान जो नाम है वो है सोमनाथ। आपको DRDO को चीफ का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इससे पहले हमने चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 और ये चंद्रयान 3 था। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान कब छोड़ा, 22 जुलाई 2008 को हमने चंद्रयान छोड़ा था जिसकी कॉस्टिंग थी 386 करोड़। इसके बाद हमने चंद्रयान 2 छोड़ा 22 जुलाई 2019 को। आप सभी को पता होगा उस समय जो चंद्रयान 2 छोड़ा था उस समय इसके अध्यक्ष के सीवन थे, उस समय वीडियो भी वायरल हुई थी उनकी रोते हुए क्योंकि वो असफल हो गया था। फिर इनकी जो लॉन्चिंग हुई तीसरे की ये हुई 14 जुलाई 2023 को, और इसके लैंडर का नाम पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है, विक्रम इसके लैंडर का नाम है। इसके क्या नाम है, इसके विक्रम इसके लैंडर का नाम है। मैं आपको इसके बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताऊंगा चंद्रमा के बारे में जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, तो वो सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं कि एक मन था ये 22 जुलाई को, ये 22 को छोड़ा, ये 2019 को, ये 2023 को। लैंडर से रोवर प्रज्ञान, रोवर का नाम पूछे तो प्रज्ञान है, ध्यान रखना। ठीक है, रोबोट है जो घूमकर जानकारी देगा। लैंडर यह मून तक रोवर को ले जाएगा, रोवर समेत 1752 किलोग्राम है। जो सैटेलाइट छोड़ा था हमने टोटल, इसका जो वेट था, ये जो दिख रहा है ये वाला जो वेट है इसका, इसका टोटल वेट था 3952 किलोग्राम। तो वहां पर जो पहुंचा है उसके बारे में देखो क्या क्या सर इसके लिखी गए। इसरो 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई। क्वेश्चन पूछेगा कि ये सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया गया, तो ये सैटेलाइट श्री सतीश धवन हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था और इसको लीड करी थी श्री करिधर और इस समय इसरो के चीफ है सोमनाथ। तो चंद्रमा पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है, चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह, खुद का इसका कोई प्रकाश नहीं, शरीर के प्रकाश से चमकता है। पानी होने की कुछ रिसोर्सिंग भारत ने पहली बार बताए थे और सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे और इस अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला देश रसिया था। और अमेरिका का जो यान गया था नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 था, हमारा ये चंद्रयान 3 गया। हमने सबसे पहले अंतरिक्ष युग में प्रवेश 19 अप्रैल 1975 को किया था जब हमने आर्यभट्ट उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और भारत दक्षिण ध्रुव पर इस सैटेलाइट को फिक्स करने वाला पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। तीन देश कौन से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बोलेंगे कि सर इससे क्या भारत को मिलेगा, किसी भी फील्ड में धाक जमाना। जैसे एक बात होती है, कई बच्चे बोलेंगे सर आप स्टेट का कुछ पक्ष ले नहीं, खेलों में जैसे हरियाणा का सिक्का जमता है उसी तरीके से साक्षरता में केरल का सिक्का जमता है। और आपको हैरानी होगी जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, लगभग 3 साल काम किया इस चंद्रयान 3 पे, सारे के सारे साइंटिस्ट 90% साइंटिस्ट दक्षिण भारत से आते हैं क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को थोड़ी सी हमसे ज्यादा साक्षरता पढ़ने लिखने में, उनके दृष्टिकोण में, उनके जीवन का जो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। वो काचा बादाम जैसे रीलों पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वो बहुत ही आगे की सोच रखने वाले लोग हैं साउथ के लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर एजुकेशन है,
वहां पर ये वहां पर जो नेता है वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वहां पर जो शिक्षा का स्तर है वो भी बहुत अच्छा है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में, जहां पर नेता और नेतागिरियों की चमचागिरी चलती है। तो चंद्रमा सर पृथ्वी की परिक्रमा करता भी होगा, कितने प्रति घंटे की उससे स्पीड से दौड़ता होगा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 27.3 दिन में यहां पर घूमता है और लगभग 3200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी से हट भी जाए, मतलब चंद्रमा का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, तो दिन जो 24 घंटे का होता है वो सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। दूसरी बात, नील आर्मस्ट्रांग के जो पांव चंद्रमा पे रखे थे, एक और था विल वेंस, दूसरे का नाम आपको बताना है कि दूसरा व्यक्ति कौन था। तीन व्यक्ति चंद्रमा पे रहे गए थे, दूसरा तो जहाज से उतरा ही नहीं, वो बोला मुझे डर लग रहा है, दो ही उतरे थे। तो आज तक नील आर्मस्ट्रांग के जो पांव के निशान है वो है और वो वर्षों तक रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा है ही नहीं जिससे वो निशान खत्म हो जाए। और एक और बता देता हूं, कुछ वहां पर आज तक वहां पर 96 बैग वहीं के वहीं पड़े हैं जो साइंटिस्ट छोड़ के आए हैं, ना वो कहीं जाएंगे उड़के जाएंगे क्योंकि हवा नहीं है, मलमूत्र जो भी है खांसी उल्टी जहां पर भी साइंटिस्टों ने डाला सेम इट इज वहीं का वहीं वो पड़ा हुआ है। तो चंद्रमा के जो रहस्य है उनसे कुछ चीजें आगे देखने को मिलेंगी कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, वहां पर थोड़ा बहुत पानी हो सकता है, थोड़ा बहुत ये हो सकता है। तो स्पेस में इंडिया का ये एक अपने आप में गौरव पल है और इसको हमें जश्ने चंद्रयान मनाना चाहिए, क्योंकि लोगों का बच्चे किस जो आने वाली पीढ़ी है वो किस दिशा में जाएगी ये डिसाइड करता है देश की राजनीति, देश का मीडिया जो आज एट प्रेजेंट है, जो सारा दिन सीमा हैदर झिंगूर ज्योति मौर्य अंजू पाकिस्तान चली गई ये जो खबरें चलाते हैं ये देश का सत्यानाश करेंगे। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसी चीजों पर कि मीडिया अनवांटेड कि ऐसी चीजों को रिपोर्ट करे, ऐसी चीजों को कोई ऐसा अधिनियम लेके आए जो सिर्फ देश हित के बारे में ही खबरें दिखाएं, जो झूठी खबर दिखाने के बाद धारा 195 के तहत नए सीआरपीसी में आईपीसी में प्रावधान हो कि 3 साल की सजा, तब जाके सुधरेंगे, ताकि लोगों के बच्चों का रुझान टिकटॉकर या रील या यूट्यूबर बनने की बजाय या किसी और यूट्यूबर का मतलब ब्लॉग बनाना फलाना बनाना, हम आज यहां पर फलाना कर रहे हैं, आज मुझे कब्ज हुई है, आज मैं कब्जी की दवाई लेने गया हूं, ऐसे ब्लॉग बना के और लोग दुनिया देखती है और फिर बोलेंगे सभ्य समाज की कल्पना नहीं होती। समय सभ्य समाज की कल्पना खुद से शुरुआत कीजिए, अगर आप उन लोगों को देखोगे नहीं तो वो बनाएंगे क्यों, अगर आप उनको, क्योंकि आजकल कौन है इन्फ्लुएंस, कौन कर रहा है इन्फ्लुएंस, वो लोग कर रहे हैं जो सिर्फ आधा शरीर दिखाती है, वो लोग करते हैं जो गंदा बोलते हैं लड़के, जो पूरा रोस्टिंग करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं जैसे वो तो किसी हाथी हथिनी ने घोड़ी ने पैदा किए हों, उनकी तो माँ बाप बहन उनके घर पे है नहीं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ मान लिया है। हो सकता है कुछ लोग सुधर जाएं भविष्य के साथ, लेकिन प्रैक्टिकल जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं या साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि इंडिया का डीएनए कानून या प्रावधान या दंड से ही सुधर सकता है, यहाँ सुधरने वाले लोग बहुत कम मैच्योरिटी के लोग होते हैं, इसीलिए अच्छे अधिनियम पारित करें ताकि मीडिया और ये जो लोग हैं जो इस तरीके के रील्स बनाते हैं गंदगी फैलाते हैं ये अच्छे वीडियो बनाएं और अच्छी दिशा में समाज को लेके जाएं। रोले भी सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो कमेंट में बताना है कि डीआरडीओ के वर्तमान चीफ कौन है, डीआरडीओ कब स्टेबलाइज हुआ था, ये इसरो द्वारा छोड़ा गया है, इसरो के किस स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा गया है, ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताना। लवी सभी को और जय हिंद जय भारत जरूर बोलना, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।